क्या मौलाना, रमज़ान आने वाला है, इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? जो भी कोरोना वायरस जिस तरह से चल रहा है, तो उस पर किस तरह से लोग घरों में नमाज़ पढ़ें या मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, क्या है इसका कुछ पूरा मामला बताइए। ये 24 अप्रैल को इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा, उम्मीद है कि उस दिन चांद नज़र आ जाएगा, तो उसी दिन से तरावी का अहतमाम शुरू हो जाएगा और 25 को सूरत में इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। क्योंकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि जिस तरीके से पूरी कौम ने शब रात में लॉकडाउन पर अमल करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की एक बेहतरीन मिसाल पेश की थी, उसी तरीके से सबसे गुजारिश है कि इस रमज़ान के मुबारक महीने में भी सब लोग घर ही पर रहें, घर ही पर इबादत करें, रोज़े रखें, अफ्तारी और सहरी भी घर ही पर करें, अफ्तार भी कहीं बाहर ना करें और ना अफ्तार का कोई अहतमाम बाहर किया जाए, और तरावी भी सब लोग अपने घरों पर ही पढ़ें। और जब घरों पर ही पढ़े कहा जा रहा है, तो उसमें भी इस बात का ख्याल रहे कि अड़ोस पड़ोस के लोग किसी भी एक घर में जमा हो करके साथ में तरावी ना करें, बल्कि एक घर में जितने लोग रहते हैं वही जमात के साथ तरावी कर लें और पढ़ लें, और जो लोग मस्जिद में रहते हैं 4-5 लोग, वो मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ सकते हैं, उनको चाहिए कि तरावी का अहतमाम करें। और इस पूरे रमज़ान भर और ख़ासकर अफ्तार के वक्त, जो कि दुआ के कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त अल्लाह से ये खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, इस वबा से हमारे पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को, से इस वबा का खात्मा करके और हम सबको इससे महफूज रखें। और आखिरी बात यह है कि क्योंकि इसी महीने में ज़्यादातर मुसलमान ज़कात निकालते हैं, तो सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात निकाल कर गरीब और गुरबा जो कि इस पर ज़्यादा मुस्तहक हैं हमारे और आपकी मदद के, उनकी खुल के मदद और इमदाद करें।